हालत में हमने उसके पास अपनी रूह को यानी फरिश्ते को भेजा और उसके सामने एक पूरे इंसान की शक्ल में नमूदार हो गया। मरियम यकायक बोल उठी कि अगर तू कोई खुदा तरस आदमी है तो मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। उसने कहा, मैं तो तेरे रब का फरिश्ता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ। मरियम ने कहा, मेरे हाँ कैसे लड़का होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं है और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ये इसलिए करेंगे कि उस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम होकर रहना है। मरियम को इस बच्चे का हमल रह गया और उस हमल को लिए हुए एक दूर के मकाम पर चली गई। फिर जचगी की तकलीफ ने उसे एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा दिया। वो कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नाम निशान न रहता। फरिश्ते ने पैंती से उसको पुकार कर कहा, गम न कर, तेरा रब ने तेरे नीचे एक चश्मा रवा कर दिया है और तू जरा इस दरख्त के तने को हिला, तेरे ऊपर तरोताजा खजूरें टपक पड़ेंगी। बस तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर, फिर अगर कोई आदमी तुझे नजर आए तो उसे कह दे कि मैंने रहमान के लिए रोजी की नजर मानी है, इसलिए आज मैं किसी से ना बोलूंगी। फिर वो इस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई। लोग कहने लगे, ऐ मरियम, ये तो तूने बड़ा पाप कर डाला। ऐ हारून की बहन, ना तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और ना तेरी माँ ही कोई बदकार औरत थी। मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोगों ने कहा, हम इससे क्या बात करें जो गहवारे में पड़ा हुआ एक बच्चा है। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बाबरकत किया जहाँ भी मैं रहूँ, और नमाज और जकात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूं, और अपनी वालदा का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको जब्बार और शकी नहीं बनाया। सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ और जबकि मैं मरूं और जबकि जिंदा करके उठाया जाऊं। यह है ईसा इब्ने मरियम और यह है उसके बारे में वो सच्ची बात जिसमें लोग शक कर रहे हैं। अल्लाह का ये काम नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए। वो पाक जात है, वो जब किसी बात का फैसला करता है तो कहता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। और ईसा ने कहा था, अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, बस तुम इसकी बंदगी करो, यही सीधी राह है। मगर फिर मुख्तलिफ गिरोह बाहम इख्तलाफ करने लगे। सो जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए वक्त बड़ी तबाही का होगा जबकि बड़ा दिन देखेंगे जब वो हमारे सामने हाजिर होंगे। उस रोज तो उनके कान भी खूब सुन रहे होंगे और उनकी आंखें भी खूब देखती होंगी, मगर आज ये जालिम खुली गुमराही में मुबतला है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हालत में जबकि ये लोग गाफिल हैं और ईमान नहीं ला रहे हैं, इन्हें इस दिल से डराओ दो जबकि फैसला कर दिया जाएगा और पछतावे के सिवा कोई चारेकार ना होगा। आखिरकार हम ही जमीन और इसकी सारी चीजों के वारिस होंगे और सब हमारी तरफ ही पलटा जाएंगे।